हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खबरी स्पेशल्स और मैं हूं प्रभात पोद्दार। कारगिल के ऊपर शायद आपने सैकड़ों वीडियो देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कारगिल वॉर आखिर हुआ क्यों था? ये तो हम जानते हैं कि भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से पाकिस्तानी इन्वेडर्स को वापस खदेड़ दिया था, लेकिन ऐसे क्या हालात थे, क्या रीजंस थे कि हमने ये युद्ध झेला? आज हम इस वीडियो के द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम शुरुआत करें कि कहां से इस युद्ध के बीच पड़े, तो हमको जाना पड़ेगा इतिहास में भारत पाकिस्तान के बंटवारे और भारत की आज़ादी के साथ। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली, तो एक ऐसा क्षेत्र था जो ना भारत में जाने को तैयार था ना पाकिस्तान में, वो था जम्मू और कश्मीर की रियासत। वहाँ के राजा हरि सिंह एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, वो ना इंडिया में मिलना चाहते थे ना पाकिस्तान में। 1947 में आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की नीयत से पाकिस्तान ने लोकल कबालियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। ये हमला इतना तेज़ था कि जम्मू कश्मीर की फोर्सेस इसे रोक नहीं पा रही थी। इस वक्त राजा हरि सिंह ने भारतीय सरकार जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन से गुजारिश की कि भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर भेजा जाए ताकि पाकिस्तान के इस अटैक को रोका जा सके। भारतीय सरकार का एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट था, हम ये तभी करेंगे जब जम्मू और कश्मीर भारत के साथ विलय करने के लिए तैयार हो जाए। राजा हरि सिंह इस प्रपोजल के लिए मान गए और ट्रीटी ऑफ एक्सेशन पे उन्होंने साइन कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 से भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध शुरू हो चुका था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेनाओं को खदेड़ना शुरू किया। जिस दिन भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध में संधि की घोषणा हुई, 1 जनवरी 1949, जब युद्ध विराम की घोषणा हुई, तो जो सेना जहाँ थी वो वहीं खड़ी हो गई और इस तरीके से एक सीज फायर लाइन बनी। ये सीज फायर लाइन वो थी जिसके एक साइड पाकिस्तान था और एक साइड हिंदुस्तान। इस युद्ध का असर ये रहा कि कम से कम एक तिहाई कश्मीर पे अब पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था, जिसे हम जानते हैं POK के नाम से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। 830 किलोमीटर लंबी एक सीज फायर लाइन खींची गई कराची एग्रीमेंट के द्वारा। कराची एग्रीमेंट भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच का एक एग्रीमेंट था, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि इस सीज फायर लाइन को अभी कोई उल्लंघित नहीं करेगा, जो व्यक्ति जहां है वहीं रहेगा। लेकिन एक छोटी सी तकलीफ हो चुकी थी। जब ये लाइन ड्रॉ की गई, तो साउथ में चेनाब नदी के पास से नॉर्थ तक ये खींची गई। नॉर्थ में जिस पॉइंट तक ये लाइन गई थी वो था NJ 9842। तकलीफ ये थी कि इसके आगे का भी एक क्षेत्र था जिसके बारे में कोई डिमार्केशन नहीं किया गया। ये क्षेत्र था सियाचिन ग्लेशियर। ऐसा माना गया ये ऐसा दुर्गम क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई जा ही नहीं सकता, तो यहाँ पे किसी सीज फायर लाइन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट आगे थी चाइना की बॉर्डर। सियाचिन ग्लेशियर के एक तरफ था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और दूसरी तरफ थी चाइना की बॉर्डर। ये इतना बड़ा एरिया जिसको माना गया था इतना दुर्गम है कि जहाँ कभी कोई सेना नहीं जा सकती, कभी कोई लड़ाई नहीं हो सकती, लेकिन आने वाले वक्त में अपने आप में ये बहुत बड़ा ट्रबल सेंटर होने वाला था। अगर ये कम था तो 1962 में हुए भारत और चाइना के युद्ध के बाद अक्साई चिन का क्षेत्र जो कश्मीर का था वो चाइना के हिस्से में चला गया, और अब सियाचिन ग्लेशियर तीन तरफ से घिर चुका था चाइना और पाकिस्तान के द्वारा। ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट लिंक था। अगर चाइना और पाकिस्तान को आप जोड़ना चाहें, सियाचिन ग्लेशियर अगर उनके हाथ में चला जाए, तो डायरेक्ट ट्रेड रूट्स थ्रू सियाचिन ग्लेशियर चाइना और पाकिस्तान के हाथ में जा सकता था, जो भारत के लिए अफसोस। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से युद्ध हुआ। भारत इस युद्ध में पूरी तरीके से जीता और इस युद्ध के बाद हुआ शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में ये जो सीज फायर लाइन थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसका नाम बदल के इसको LOC कह दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग वजह हो सकती है। 1947 में जब ये युद्ध हुआ था, जब सीज फायर लाइन बनी थी, तो यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक डेलीगेशन यहाँ बिठा दिया था, जिसका काम था इस सीज फायर लाइन के ऊपर ध्यान रखना, ये देखना कि कहीं ये सीज फायर लाइन आगे पीछे ना कर दी जाए। भारत कहीं ना कहीं अब इस चीज़ के विरोध में जा चुका था। उसका कहना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच का ये आंतरिक मुद्दा है कश्मीर, इसमें किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, इवन इसमें यूनाइटेड नेशंस की भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा गया कि अब तो भैया ये सीज फायर लाइन ही नहीं है, ये तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो यहाँ यूनाइटेड नेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने अभी भी अपना वो डेलीगेशन ख़त्म नहीं किया है, आज भी भारत और पाकिस्तान में उस डेलीगेशन के लोग रह रहे हैं।
सियाचिन ग्लेशियर, जिसे पहले इस लायक भी नहीं माना गया था कि जिसके आसपास एक सीज फायर लाइन खींची जाए, धीरे धीरे हॉटली कॉन्टेस्टेड होने लगा था। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी भी उस जगह पर कब्जा करना चाहती थी और हिंदुस्तानी आर्मी भी। 1949 के कराची एग्रीमेंट में उस क्षेत्र को छोड़ दिया गया था और 1972 में किए गए शिमला एग्रीमेंट में जो लाइनें खींची गई थी, कहीं ना कहीं उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपना अपना अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। हिंदुस्तान कहता था सियाचिन हमारे क्षेत्र में आएगा और पाकिस्तान कहता था हमारे क्षेत्र में। सियाचिन ग्लेशियर पे अपनी लेजिटिमेसी दिखाने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट और आर्मी ने एक नया तरीका अपनाया। 1970s और 1980s में जो भी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस होते थे वो उसको अलाउ करने लगे। कहने का अर्थ ये है, अगर आप पाकिस्तान के साइड से सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ना चाहते हैं तो उसको अलाउंस कौन करेगा? पाकिस्तानी आर्मी करेगी। कहने का अर्थ ये है, कहीं ना कहीं वो लोग ये दिखाना चाह रहे थे ये हमारा पहाड़ है, ये हमारा ग्लेशियर है, हमसे इजाज़त लीजिए और चढ़ जाइए। हिंदुस्तानी आर्मी ने भी सेम टैक्टिक अपनाई। हिंदुस्तान के साइड से जो भी व्यक्ति सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ना चाहता था उसको हिंदुस्तानी आर्मी अलाउ करती थी। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, तकलीफें चालू हुई 1984 में, जब एक जापानीज़ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन को चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ आर्मी ने ये ग्लेशियर चढ़ने की इजाज़त दी। इसको समझेंगे, अगर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को, एक विदेशी व्यक्ति को हम किसी पहाड़ पर चढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं और वो हमसे इजाज़त ले रहा है, यानी वो पहाड़ हमारा है। अगर इस प्रकार के बर्ताव को रोका नहीं जाता तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में यही सवाल, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में एक यही परसेप्शन जाता कि सियाचिन ग्लेशियर एक्चुअली पाकिस्तान का है, इसीलिए वहाँ चढ़ने से पहले आपको उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। वक्त आ चुका था ऑपरेशन मेघदूत का। देखिए, जैसा कि हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं, अगर सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान या चाइना के हाथ में चला जाता तो वो स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान और चाइना के बीच का एक लिंक बन जाता जो भारतीय आर्मी नहीं चाहती थी। हम कहीं ना कहीं ये भी समझ चुके थे, आज नहीं तो कल पाकिस्तानी आर्मी उस अनक्लेम्ड एरिया को अपने अंदर लेने की कोशिश करेगी। 1982 में भारतीय सैनिक जिन्हें अंटार्कटिका में ट्रेनिंग्स दी गई थी, धीरे धीरे डिप्लॉय होने लगे इस बर्फीले क्षेत्र में। ये चीज़ पाकिस्तान ने भी देखी, उनको लगा कि पाकिस्तानी आर्मी उतनी सक्षम नहीं है जितनी इंडियन आर्मी है। उन्होंने भी धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बिल्टअप करने की शुरुआत करी। उन्होंने आर्टिक वेदर इनेबल्ड कपड़े खरीदने की शुरुआत की लंदन के एक सप्लायर से। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि भारतीय आर्मी भी उसी सप्लायर से ठंड के कपड़े खरीदती थी, तो हम प्रियम्प्ट हो चुके थे, हमें पता चल चुका था कि पाकिस्तान आर्मी आज नहीं तो कल सियाचिन पे चढ़ाई करने वाली है। 13 अप्रैल 1984 वैसाखी का दिन था, इस दिन भारतीय सेना ने किया ऑपरेशन मेघदूत। 4 दिन बाद पाकिस्तानी आर्मी ने भी अटेम्प्ट किया था सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने का, यानी हिंदुस्तानी आर्मी मात्र 4 दिन पहले पहुंच गए सियाचिन ग्लेशियर पर, नहीं तो सियाचिन पाकिस्तान के हाथ में जा सकता था। सियाचिन को माना जाता है विश्व का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड। 1987 में और 1989 में पाकिस्तान आर्मी ने 2 बार सियाचिन पर कब्जे की कोशिश करी है। 1987 पर जब पाकिस्तान आर्मी ने इसको कोशिश को अंजाम दिया था तो उसके हेड थे परवेज़ मुशर्रफ। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के बाद और 2 बार पाकिस्तानी आर्मी के अटैक्स को वापस करने के बावजूद, हम जानते थे कि कारगिल क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे गैप्स हैं जहां कल दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है। इन्हीं गैप्स को फिल करने के लिए एक स्पेशल डिवीज़न बनाया गया जिसका काम कारगिल में ये सारे गैप्स फिल करना था। पाकिस्तान चाहता था ये गैप्स बने रहें, इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने कारगिल के क्षेत्र में हर प्रकार की गोलीबारी बंद कर दी, हर प्रकार से शांति रखने की कोशिश की ताकि इंडियन आर्मी को ये लगे कि ये क्षेत्र शांत है, यहाँ पाकिस्तान के हमले की गुंजाइश बहुत कम है। वो यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने की शुरुआत करी। वो जानते थे कि जैसे ही वैली में आतंकवाद बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ये आर्मी की यूनिट्स जो ऊपर कारगिल में डिप्लॉयड हैं वो नीचे वैली में भेजी जाएंगी और कारगिल के क्षेत्र में वापस गैप क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान इस अटैक की तैयारी कर रहा था, वहाँ हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिकल मिस्टेक्स की जा रही थी। 1997 से 1998 तक भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे आई के गुजराल ने कुछ बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए। उसमें से एक था गुजराल डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हमारे नेबर्स के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे, शांति प्रिय वातावरण रहे,
इसके लिए यूनिलैटरली यानी केवल अपनी तरफ से उन्होंने हर प्रकार के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कराने से रॉ को मना कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि पाकिस्तान में अब रॉ किसी भी प्रकार से एक्टिव नहीं रहेगा, ये गुजराल साहब का कहना था। रॉ को इसके कारण काफ़ी हानि पहुंची। इस प्रकार का कोई भी आश्वासन पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को नहीं था, यानी पाकिस्तान ने ऐसा नहीं कहा था कि आप आईएसआई कि हम आईएसआई को इंडिया में काम करने से रोक रहे हैं, आप रॉ को कर दीजिए, नहीं, ये यूनिलैटरल था, जिसके कारण भारत की इंटेलिजेंस गैदर करने की जो क्षमता थी वो बहुत कम हो गई। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ तो इस इंटेलिजेंस फेलियर ने हमें बहुत बड़ी चोट पहुँचाई। '99 शुरू हो चुका था भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा युद्ध, जिसे हम जानते हैं कारगिल वॉर के नाम से। ये आज तक के इतिहास में सिर्फ दूसरा ऐसा इंसिडेंस था जहां न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ के बीच में युद्ध लड़ा गया। इससे पहले 1969 में सोवियत रशिया और चाइना के बीच में 7 महीने का एक बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद ये सिर्फ ऐसा दूसरा वक्त था जब दो ऐसे देश लड़ाई लड़ रहे थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर का खतरा सर पे मंडराने लगा था। तो क्या ऑब्जेक्टिव थे ये युद्ध शुरू करने के पाकिस्तान के मन में? पहला ऑब्जेक्टिव था NH1। ये वो नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, यानी कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है और जो कारगिल के पास से गुजरता है। अगर कारगिल पे पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा तो हैवी शेलिंग कर करके इस रास्ते को वो रोक लेंगे। जैसे ही इस रास्ते पे आवाजाही बंद हो जाएगी, सियाचिन का जो क्षेत्र है वो आइसोलेट हो जाएगा। सियाचिन का क्षेत्र हर प्रकार की रसद से और मदद से दूर हो जाएगा, जहाँ पे फिर उनके लिए पाकिस्तान के लिए कब्ज़ा करना आसान हो जाएगा। अगर सियाचिन पे इनका कब्ज़ा हो गया, नेशनल हाईवे 1 उन्होंने काट दिया, तो वो भारत को मजबूर कर सकते थे कश्मीर डिस्प्यूट पे एक कंक्लूजन लाने के लिए, एक ऐसा कंक्लूजन जो पाकिस्तान के फेवर में होता, हिंदुस्तान के फेवर में होता नहीं होता। लेकिन भारतीय सेना के शौर्य के साथ, जिसमें ऑपरेशन विजय जो इंडियन आर्मी ने किया था और ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो इंडियन एयरफोर्स ने किया था, हमने 26 जुलाई 1999 तक कारगिल वॉर को ख़त्म कर दिया। हमने बहुत सारी शहादतें दी, लेकिन अंत में कारगिल की हर चोटी पे हमने विजय पाई। एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम जो पाकिस्तान ने कारगिल वॉर का झेला वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में उसकी इज्जत ख़त्म हो गई। लोगों ने कहा जम्मू कश्मीर पे आपकी लेजिटिमेसी नहीं है, अगर जम्मू कश्मीर आपका होता तो शायद आप इतना एग्रेसिव स्टांस नहीं लेते और शांति से जम्मू कश्मीर पे अपना दावा ठोकते। देखिए, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे कारगिल वॉर में कौन कौन सी घटनाएं हुई जिसके बारे में चर्चा की गई होगी, लेकिन आज हमने सोचा हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जिससे आपको पता चले आखिर कारगिल वॉर हुआ क्यों था। तो जुड़े रहिए खबरी के साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।